दोस्तों, आपका डिमांड थी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझा दी जाए। आपने रिक्वेस्ट की थी, जो आर्ट किला आपकी किताब एनसीईआरटी में 6.8 है, इसको एलिब्रेट कर दिया जाए। दो हिस्सों में करेंगे, एक में बेसिक बताएंगे, दूसरे में थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके उसको ड्राइव करेंगे। अगर देखिए, अगर कोई आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, किसी बॉडी पे लगाते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी आप जानते ही हैं क्या होता है, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफ्रेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट तो आपको फोर्स मिल जाता है। बस उसी से हम जो है मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। तो दोस्तों, आप कहते थे कि सर थोड़ा सा एलिबरेट कर दिए ताकि एग्जाम्पल एग्जाम में लिख भी सके। तो देखिए, आपको एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए अपने आंसर पेपर पे कि सपोज दैट ए बॉडी गोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। इस लाइन को आपको अपनी कॉपी में, आंसर बुक में लिखना चाहिए कि साहब डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जब हम एफ कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हैं। फिर लिखना चाहिए आपको कि साहब की जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, हम तो W ही लिखते हैं लेकिन आप पूरा लिखेगा जनरल साहब नाराज हो जाएंगे। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहती है आपको? वो कहती है कि साहब जो ऐसे सूरत हाल में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? जाहिर सी बात है कि वो जो है वर्क डन के बराबर होता है, राइट? और वर्क डन आप जानते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स वेरिएबल है तो आप कह सकते हैं कि F into delta x हो गया, क्योंकि आपका displacement कितना हो रहा था delta x, कब? जब आप conservative force F लगा देते हैं। conservative force के बारे में जल्दी से आपको तीन बातें बता दें कि साहब conservative force किस पे, path पे नहीं depend करते। मान लीजिए आप A से B आते हैं और आप इस path से आ सकते हैं, इस path से आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। बोर्ड पे हम आपको दिखा दें कि मान लीजिए A से B आपको जाना है, कहने लगे क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी को यहाँ से यहाँ लाना है तो कहने लगे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा। तो ऐसे सूरत हाल में कहते हैं कि आप साहब इधर से आ सकते हैं, आप साहब यहाँ से आ सकते हैं और आप इधर से भी आ सकते हैं, किसी भी पाथ से आइए। वो पाथ के पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि साहब कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है, राइट? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि अगर पूरे एक क्लोज में आए, यानी यहां से यहां आए कंजर्वेटिव फोर्स लगा के और यहां से यहां चले जाए, यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस बना दे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कहने लगे मिलता कहां है ये कंजर्वेटिव फोर्स? कहने लगे कुछ नहीं, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है ना पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपको जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर से आइए, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो गई। आपने कहा कि साहब पहली बार में अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स एफ लगाते हैं, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क एनर्जी से इतना हो जाता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कहीं ना, हम वो भी जानते हैं। क्या लगे ये किसके बराबर होती है? क्या लगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। निगेटिव क्यों होती वो आप जानते हैं, नहीं तो किसी और लेक्चर में एलिमिनेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कहा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स लगा गया, तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम से मिल गया काइनेटिक एनर्जी, और हमको पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, जैसे स्प्रिंग के केस में आपने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, ठीक है, अभी आगे भी देख लेंगे कि अंडर ग्रेविटी होता है तब आप देख लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपने कहा कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी कितनी हो गई? क्या लगे सर हमारी टोटल एनर्जी हो गई डेल्टा के प्लस, ठीक, हम थोड़ा सा आपको कह दें कि अगर हम इसको ये कर दें तो माइनस इधर चला जाएगा, am I right? तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डेल्टा के प्लस डेल्टा बी दिस प्लस दिस, ये आपका प्लस है, ये माइनस उतनी क्वांटिटी, तो आपको जीरो मिल जाएगा। आपने कहा ऐसी सूरत हाल में अगर चेंज को बाहर निकाल लें तो हमारा ये हो जाएगा,
अगर किसी चीज का डिफरेंस जीरो आ रहा है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी कांस्टेंट है। ठीक। अरे मान लीजिए 10 जूल थी, थोड़ा सा आपने और परिवर्तन किया, फिर भी 10 जूल आई, दोनों मिलके 10 जूल आई। अरे कुछ कम होगी, काइनेटिक कम हुई तो पोटेंशियल हो गई, तो दोनों मिलके फिर 10 जूल आ गई, तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 माइनस 10 इजिकल टू 0। बस यही आपको निकालना था कि साहब जो कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उसका जो सम होता है, टोटल होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस बात को लिख लेना, द क्वांटिटी के प्लस वी क्या कहलाती है, इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। कट तो नहीं रहा है, दिख रहा बेटा? ठीक। अब आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो अंडर ग्रेविटी गिर रही है, तो हम तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लेते हैं और उस पे निकालते हैं कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम क्या होगी। होनी क्या चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 नंबर का आएगा तो दोस्तों इतने काम चल जाएगा, 5 का आएगा तो एग्जाम्पल दे आइएगा, वैसे आएगा नहीं 5 का। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर 3 नंबर और 5 नंबर वाले कराइए, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आप कह रहे हैं कि सर ये काम हो गया, अब हमको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताइए कि साहब अगर कोई बॉडी आ रही है, अंडर ग्रेविटी आ रही है, मान लीजिए कि साहब अंडर ग्रेविटी गिर रही है, ऐसे सूरत हाल में हम जानना चाहेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। आपने कहा कि साहब इसका एक आर्टिकल का नाम लिख लें, और आर्टिकल आप कह सकते हैं बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, बहुत ज्यादा लिखने की स्कोप नहीं रहता है, अंडर ग्रेविटी दिख रहा है बेटा? ठीक। आपने कहा ये हमारी एक बॉडी थी जिसका मास m था, और ये बेस लाइन यानी कि आपका ग्राउंड है, यहां से h दूरी पे, और इनिशियली ये रेस्ट पे है, यानी यहां से जब गिराई जाएगी तो ये बॉडी समझ लीजिए, राइट, अब यहां पे है तो यहां गिराएगी तो क्या हो जाएगा, रेस्ट से ड्रॉप की जाएगी। तो भाई साहब हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पे देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी है, एक पॉइंट हम रास्ते में ले लेते हैं बी, और एक पॉइंट हम बेटा यहां ले लेते हैं सी। ये आपकी बेस लाइन है, यहीं से सारी हाइट आप नापेंगे, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी नीचे से नापी जाती है, ऊपर थोड़ी ना नापोगे, जो एक बेस लाइन है उसी से, तो यहीं से तो हाइट नाप रहे हो, इस समय कितनी है ए। तो आपने कहा एट पॉइंट ए अब यहां पे दो एनर्जी, एक तो बॉडी की हाइट की वजह से, क्योंकि धरती माता तो खींच रही है, ये देखो गिर गई, धरती माता खींच रही है, यानी एम जी नीचे लग रहा है, और हाइट कितनी है बेटा आपकी, एच है। तो आप कहेंगे सर एट पॉइंट ए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच है, क्योंकि ये फोर्स ये लग रहा है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या लगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्या लगे सर यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि बॉडी एट रेस्ट है, ड्रॉप की जा रही है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी यू है, यानी कि आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है यू जीरो है, तो ये जीरो। आपको क्या चाहिए था? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने कहा सर एट पॉइंट ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये बराबर क्या हो जाएगी, एम जी एच प्लस जीरो, यानी कि एम जी एच प्लस जीरो, यानी कि ये एम जी एच।
पे निकालिए और पॉइंट सी पे निकालिए। अगर तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकली है यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वो अगर एमजीएच आ रही है तो इसका मतलब जो है, जो अभी आपने पीछे प्रूफ किया था कि साहब के प्लस बी कांस्टेंट है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है मैकेनिकल सिस्टम में, तो इसका मतलब एक हमने एग्जांपल ले लिया और उसको कर रहे हैं। आइए एट पॉइंट पी देखिए, बी एट पॉइंट बी, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आपने कहा सर ये सपोज एक्स दूरी चल दिया ऊपर से, नाप रहे थे कहीं एक्स दूरी चल दिया, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से नापोगे आप? ग्राउंड से नापोगे बेटा, नीचे से तो नापोगे आप, क्योंकि आपको ये जो आप हाइट गेन करते हैं, जो आपके सर ने बताया जो हाइट गेन करते हैं वो ड्यू टू एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है ऐसे सूरत हाल में आप कहेंगे टोटल एच है, एक्स चल ये है तो इतनी जो दूरी होती है, यानी एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। कहने लगे साहब ये मास तो एम ही है, धरती माता खींच रही है, देखिए खींच के गिरा दिया है, उठा लेता हूँ मैं। ठीक, तो आपने कहा सर एम जी और डिस्टेंस आपका ग्राउंड से यहां तक का जैसे नापोगे? कुछ बच्चे ऊपर से नापते हैं, अरे भाई धरती से ऊपर ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे भाई साहब वेलोसिटी चाहिए थी आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए थी बी पॉइंट पे, तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, धरती माता खींची नहीं, देखो फिर से गिरा दे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू, इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, तो अच्छी खासी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी टू एस होता, एम आई राइट? ये मसला सारा किस पे कर रहे हैं? बी पॉइंट पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बी पॉइंट पे सारा कार्य कर रहे हैं। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स हो गया, और ए कितना हो गया? फ्री फॉलिंग बॉडी है, एम आई राइट? तो ए एक्सेलेरेशन के बराबर हो गया, तो जी के बराबर हो गया, ये जीरो चले थे, टू जी एक्स, यानी जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी है वो किसके बराबर? टू जी एक्स हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आपने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों आपका काम बन गया, 1/2 एम बी स्क्वायर कितना निकाला था? टू जी एक्स, काट दीजिए, यानी आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये वाला सारी एनालिसिस पॉइंट बी की चल रही है, कितनी हो गई? निकालना क्या है दोस्त? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप जानते हैं किसके बराबर होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब चूंकि मेरे पास जगह कम है, दो ही लाइन बच रही है, इसलिए इसको मैं खोल रहा हूं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इसको खोल दिया एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और यहां पे देखिए बी पॉइंट की एनालिसिस चल रही बेटा, ये बराबर किसके हैं? एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी कट गया। तो इस केस में भी देखिए, बी पॉइंट पे भी देखिए कितनी आ रही है एम जी एच, ए पॉइंट पे देखिए कितनी आ रही थी टोटल एनर्जी एम जी एच, अब लगे हाथ क्या करें, सी पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप सी पॉइंट पे आए एट पॉइंट सी, एम राइट दिख रहा है इधर देखिए, हाँ इतनी जगह बहुत है हमारे पास, एट पॉइंट सी जब बेटा यहां आ गए, एच कितना हो गया? जीरो हो गया, ये घटते घटते कहाँ आ गया? जीरो हो गया, तो इसका मतलब एच बराबर जीरो ही है, कैन भाई साहब इनकी हाइट ही नहीं है, कैन बेस लाइन पे आ गए, कैन खत्म खेल। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। अब अगर इस हाइट चलने पे कितनी इसने वेलोसिटी गेन कर ली, वो हम वेलोसिटी निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक मिल जाएगी तो टोटल मिल जाएगी, और टोटल मिल जाएगी तो देखेंगे क्या वो एम जी एच आ रही है ए पॉइंट की तरह, क्या वो एम जी एच आ रही है बी पॉइंट की तरह, क्या सी पे भी एम जी एच आ रही है। अच्छी बात है, देखिए वेलोसिटी निकालने गए तो आपने कहा वेलोसिटी बराबर यू स्क्वायर इज इक्वल
टू, 2 AS होता है, तो वी स्क्वायर यहीं से चले थे आप इनिशियली। अंडर ग्रेविटी थे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, ए जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। कितना चले भाई, तब यहां से यहां तक यानी कि एच चले। वाह, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ½ mv² यानी 1/2 mv² आपने 2gh निकाला, काम बन गया mgh। तो दोस्तों काम बन गया। तो आपने कहा सर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, पोटेंशियल हमारी जीरो क्योंकि हाइट जीरो हो गई थी और ये mgh हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh, यानी पूरे इस मैकेनिकल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो कांस्टेंट है। देखिए एट पॉइंट ए mgh, एट पॉइंट बी mgh, एट पॉइंट सी अगेन